ना बात हो रही है कि टू डाइस रोल वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेजेस, टू डाइस रोल वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज जीरो, टू डाइस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इन विच डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन, टू डाइस रोल वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इन विच वन इज ऑब्टेन ऑन वन डाइस एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ टेन, टू डाइस रोल वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इन विच मल्टीपल ऑफ थ्री इज ऑब्टेन। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे दो डाइस हैं तो इवेंट हो जाएंगे सिक्स का स्क्वायर यानी 36, 36 इवेंट्स होंगे। अभी जो 36 इवेंट्स होंगे किस होंगे किस तरह भाई, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, इसे समझाने के लिए बना रहा हूँ क्योंकि जहन में आपको होना चाहिए किस तरह होंगे भाई। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 से लेके 6.6 तक यानी 36 इवेंट्स हो गए। अब इनमें कह रहे हैं कि टू डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेजेस, सेम फेजेस लाइक 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6 तो कितने आ गए, 6 आ गए, कितने में से 36 में से आंसर बन गए 6 आ गए। और कह रहे हैं आर टू डाइस रोल वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज जीरो, एब्सोल्यूट डिफरेंस जीरो यानी कि ये वाला 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6 अगेन आंसर आ रहा है 6/36 यानी 1/6। फिर कह रहे हैं टू डाइस रोल वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इन विच डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन, देखो डबल ऑफ एनी काइंड लाइक 1.2, 2.1 और 2.4, 4.2, 3.6, 6.3 6/36 1/6 आंसर आ जाएगा। और कह रहे हैं इसके बाद टू डाइस रोल वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इन विच वन इज ऑब्टेन ऑन वन डाइस एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ टू, एक पर तो आए वन अदर में मल्टीपल ऑफ टू लाइक 1.2, 1.4, 1.6 और 2.1, 4.1, 6.1 दोबारा इसका भी फाक से आंसर 6/36 1/6 आ रहा है। यहाँ तक नोट करें पहले।